जनपद रुद्रप्रयाग के जंगलों में शरारती तत्वों द्वारा वनों को आग के हवाले किए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे वन संपदा के साथ साथ पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत है। विभाग ने जंगल में वनाग्नि को बुझाने के लिए अलग अलग टीमें गठित की है, साथ ही आग लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। रुद्रप्रयाग डीएफओ अभिमन्यु ने बताया कि शुक्रवार को अलग अलग जगहों से 3 लोगों को जंगल में आग लगाते हुए मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में वनाग्नि की घटना काफी बढ़ोतरी हुई है। शुष्क मौसम होने के कारण काफी जगह वनाग्नि की घटना सामने आ रही है, जिसमें कई हेक्टेयर जंगल प्रभावित हो रहे हैं। इसी के क्रम में वन विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा जो है नामजद केस दायर किए जा रहे हैं। कुल 19 मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसमें 3 नामजद केस दायर किए गए, जिसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है और जिसमें वन अधिनियम के अंतर्गत उसमें कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, जो जानबूझ के आग लगाए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गोपनीय तरह से सूचना भी इकट्ठा की जा रही है और ऐसे जो भी लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस विभाग से भी मदद ली जा रही है और सभी स्थानीय लोगों से अपील है कि किसी भी तरह से जंगलों में आग ना लगाएं और अगर कहीं भी ऐसे आग की सूचना मिलती है तो वन विभाग को तुरंत उपलब्ध कराएं और अगर ऐसे कोई शरारती तत्व का संज्ञान आता है तो गोपनीय तरह से भी वन विभाग को सूचित कर सकते हैं।